लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। और फिलहाल खड़े हैं हम साढ़वा के उसी जगह पर, ग्राउंड जीरो पर। रात को आपको लाइव दिखाया जा रहा था 3:30 बजे के और 3:40 के करीब एक दबावान जो व्यक्ति था वो निकल चुका था। उसके बाद ये चट्टान ऊपर से रेत खिसकने के कारण, और वो जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है। यहाँ देखिए ये कमरा भी, कमरे की मतलब वो भी गिरने के कगार पे है, वो भी गिर सकता है। और उधर जो क्रेन के द्वारा, हाइड्रा मशीन के द्वारा रजवा है जो नहर बोली जाती है, उसके किनारे रोके हुए हैं, ब्लॉक किए हुए हैं, किस्म से लॉक कर रखे हैं ताकि उधर से खिसक के न आए। और ये बालू रेत यानी कि बहुत ही रेतीली भूमि है जो बार बार खिसक जाती है। और ये जो ऊपर की जितना भी कल दिखाई दे रहा था आपको, रात को दिखा रहे थे, तो वो गिरा चुके हैं जो पक्का कुआ था। अब नीचे जो है बिल्कुल नीचे जा चुके हैं ये, करीब 40 फुट के करीब जो है यहाँ खुदाई। और इसके नीचे जो अंदर जो गए हुए हैं लोग, अंदर से निकाल के लाए गए थे जो, और अब और ये देखिए ये आर्मी, जो पूरी आर्मी की टीम है, NDRF की टीम जो आ रही है। और मौके पर लोकल प्रशासन कल सुबह 8 बजे से यहाँ पर तैनात है, पूरे के पूरा प्रशासन, पूरा अमला, और जो ये NDRF की टीम और आर्मी के जवान जो हैं लगातार पूरी रात से लगे हुए हैं जी जान से। और एक आदमी को खोज लिया गया है। और ये हम इस बात की सराहना करेंगे कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल प्रशासन, हरियाणा पुलिस और SDM साहब स्वयं, तहसीलदार साहब स्वयं मौजूद हैं, 24 घंटे से लगातार नज़र बनाए हुए हैं अपनी पैनी नज़रों से। और जी और इधर से जो राहत का कार्य है एक बार फिर दोबारा से शुरू किया गया है। जो खिसकी हुई मिट्टी है वो बाहर निकाली गई है, और बड़े बड़े ढेर और ट्रैक्टरों से ये मिट्टियाँ बाहर निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से। ये जो अब लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल आपके सामने, मैं रात को दिखा रहा था आपको कि उस समय बाकी NDRF की टीम जो है दोबारा से फिर प्रयास कर रही है वहीं पहुंचने की, जहां रात को पहुंच चुके थे। एक व्यक्ति को निकाल लिया गया वहां से, लेकिन ऊपर से टीला खिसकने के कारण ये फिर दोबारा से उधर, देख सामने मशीन है वो ब्लॉक कर रखी, लॉक करके रखा है, क्योंकि उधर नहर है वो पूरी खिसकने का डर है। इधर जो कमरा है इसको भी खिसकने का डर है, कभी भी अंदर गिर सकता है खिसक के। और यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है NDRF टीम और लोकल प्रशासन के द्वारा, और फायर ब्रिगेड, लोकल प्रशासन। और यहाँ आप देख सकते हैं 24 घंटे से ज़्यादा पूरा प्रशासन यहाँ पर, अमला जो है डटा हुआ है, एम्बुलेंस की खड़ी हैं और मिलिट्री की, आर्मी की एम्बुलेंस खड़ी है यहाँ पर, पूरा जो प्रशासन यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हाइड्रा मशीन यहाँ पर, 4 से 5 हाइड्रा मशीन आई हुई हैं, आर्मी की जो हाइड्रा मशीन है वो भी आई हुई हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इधर ये आर्मी की हाइड्रा मशीन है वो भी आई हुई हैं। और पूरा जोर शोर से, पूरे जी जान से जुटे हुए हैं आर्मी के जवान कल से। और इसमें मैं कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुश्किल कार्य है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। ऊपर से बार बार मिट्टी आ जाती है खिसक के, रेतीली ज़मीन खिसक के आ जाती है, और ऊपर से जो मिट्टी रेतीली खिसक के आती है, इसी कारण दोबारा कार्य में बाधा पड़ती है। और ये जो जवान लगे हुए हैं आर्मी के, ये दिन रात इनका काम ऐसे मुश्किल क्षेत्रों में होता है, इनका राहत पहुंचाना। और जब ऐसी जगह आ जाती है कि किसी भी तरह की सुविधाओं से अभाव में, जैसे ये सूखी मिट्टी बिल्कुल रेतीली बार बार खिसक के आ जाती है, और जितना निकालते हैं बाल्टियों के द्वारा रेत, उतना वापस चला जाता है। एक व्यक्ति जो निकला है वो जगदीश है, और जो खेत का मालिक जयपाल हुड्डा जी जो हैं वो अभी इसके अंदर हैं, उसकी तलाश जारी है। और अब ये जो है अपने प्रयास किए जा रहे हैं, अलग से दूसरे रूप में इनको ढक के ऊपर से इसका प्रबंध किया जा रहा है कि ऊपर से कोई भी मिट्टी न जाए, दोबारा से नीचे से सुरंग बनाई जाए, या जो सुरंग के द्वारा कार्य हो रहा था उसको दोबारा से चालू किया जाए, ऐसा कर रहे हैं। और ये जो इनके प्रयास सफल भी हैं,
और इनका काम भी यही है इन टीम का कि गंभीर से गंभीर और मतलब ऐसी ऐसी जगहों पर पहाड़ों में, रेतीली भूमि में, तालाब में, समुंदर में, जहां भी कहीं कोई राहतकारी नहीं पहुंचा सकता वहां एनडीआरएफ की टीम जाती है और वो अपना कार्य करती है। और ये लाल ड्रेस में देखिए एनडीआरएफ की टीम है जो पूरी की पूरी, ये ऐसे ही कामों के लिए तैयार की जाती है, इनका कोर्स ऐसा ही होता है। और साथ में आर्मी के जवान हिसार से भी आए हैं, बठिंडा से एनडीआरएफ की टीम आई हुई है जिसको आने में काफ़ी वक्त लग गया था क्योंकि यहाँ से बठिंडा की दूरी करीब 200 से ऊपर के 250 किलोमीटर के करीब है, तो उसके आने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो मैं कल वो जो चीज़ें दिखा रहा था, आज ये भी ढक दिया गया है, इसको इस कुएँ को अब ढक दिया गया है, वो लगा के टैन और नीचे लोहे की सीढ़ियाँ लगा के, जाली लगा के, और ये जो पूरा का पूरा कवर कर दिया गया है और ताकि ऊपर से जो मिट्टी और रेत है वो न जा पाए, नीचे कार्य करने वाले लोग हैं वो तो ताकि आराम से कार्य कर सकें, उनको कोई ऊपर से खतरा ना हो, क्योंकि ऊंचाई से गिरने पर एक कंकर भी पूरे पत्थर की तरह लगता है। तो इसलिए इस तरह कवर कर दिया जाए कि ऊपर से जो मिट्टी रेत आए वो अंदर न जा पाए, तो ये पूरा जो पूरा कवर कर रहे हैं। और खतरों के खिलाड़ी हैं, वही खतरों से खेल रहे हैं, खेलना इनका काम है और इन्हीं के सहारे हमारा देश, आर्मी के सहारे ही हम सुख से सो पाते हैं। ये हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं फौजी भाई सलूट है, नमस्कार है, जय हिंद है। तो ये फौजी हमारे लिए जी जान एक कर देते हैं, जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता पहुंचने की, ये तुरंत चुटकियों में पहुंच जाते हैं वहां। इनकी कलाकारी को, इनके जज्बे को, इनके हौसले को सलाम। आप भी एक बार बोलिए तिल से जय हिंद इनके लिए। और ये देखिए एनडीआरएफ की टीम, इनके साजो सामान जो हैं लगभग होते हैं इनके पास, फिर भी यहाँ से लोकल एरिया से जुटा लेते हैं जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है। और ग्रामीणों का हौसला और जज्बे को भी सलाम है कि जो कल सुबह 8 बजे से लगातार भूखे प्यासे यहाँ लगे हुए हैं, ये जो मशीनें वाले हैं ये भी भूखे प्यासे यहाँ लगे हुए हैं। रेतीली भूमि है, इतने दूर दराज पड़ती है, 2 किलोमीटर के नज़दीक यहाँ गाँव नहीं है, करीब 2 किलोमीटर के करीब गाँव है, 1.5-2 किलोमीटर। और यहाँ लोग जो है कल सुबह 8 बजे से पूरी रात यहाँ हर तरह का प्रबंध, खाने पीने का, इतने लोगों का करना, व्यवस्था करना, ये सभी काम बखूबी शाड़वे ग्रामवासियों ने कर दिखाया है। और यहाँ ये फिलहाल जो है रस्सियों के सहारे दूसरी जालियाँ जो हैं वो गिरा रहे हैं और पूरा ऐसा प्रबंध कर रहे हैं ताकि के हाँ, मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखाता रहूँगा। और ये देखिए ये अब कैसे किस प्रकार कार्य कहाँ से शुरू करने हैं ये भी दिखाऊंगा आपको। तो अब फिलहाल का वक्त जो है 11 बजने को हैं और 11 बजे तक का ये जो आपको लाइव दिखाया इसके आगे फिर मैं स्टार्ट करूंगा, जो ही अगले कदम बढ़ाते हैं कैसे क्या करते हैं, हर चीज़ आपको घर बैठे, आप जहाँ भी हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो अपने मित्रों के पास। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लोक प्रसार हरियाणा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो टीम है एनडीआरएफ की, आइए मैं बातें करवाता हूँ उधर, कल भी बातें करवाई थी मैंने एसडीएम साहब से, डीएसपी साहब भी पहुँचे हुए हैं मौके पर, और भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ के अधिकारी भी हैं। मैं आइए बात करवाता हूँ आपकी।